जो हीट वेव्स की स्थिति बनी हुई है उसके बारे में अभी आईएमडी का क्या अनुमान है? देखिए, अभी तक जो सिनेरियो चल रहा है, कल या कुछ दिन पहले से हम कंटिन्यूस रेड अलर्ट दे रहे थे और कल भी काफ़ी एक्सट्रीम टेम्परेचर्स रहे। हीट वेव टू सीवियर हीट वेव बहुत सारे राज्यों में प्रिवेल हुई, इवन टेम्परेचर 47 से ज़्यादा भी थे। और हमारा यही अनुमान है कि आज भी ये टेम्परेचर्स उतने ही रहेंगे। लेकिन अभी क्या एक अच्छी न्यूज़ कह सकते हैं हम कि अरबियन सी से हवाएं आ रही हैं, उसके कारण जो टेम्परेचर्स में ग्रेजुअल गिरावट आएगी। जो कल टेम्परेचर्स थे प्रोबेबली उससे थोड़ा कम होने चाहिए, लेकिन आज के लिए भी हमारा बेस्ट राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लिए रेड अलर्ट है। इसके बाद ग्रेजुअली टेम्परेचर्स में गिरावट आएगी और इसके बाद कल के लिए ऑरेंज है। इसके बाद हमने येलो कलर किया है कि स्लोली हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कल के बाद जो हीट वेव की सीवियरिटी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी इफेक्ट कर रहा है, उसके प्रभाव से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न हिमालय रीजन में हल्का फुल्का रेनफॉल भी हो सकता है। तो ग्रेजुअली डे 4 तक ये टेम्परेचर कम होने चाहिए। सर, कितना अनुमान है कितने डिग्री तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है? देखिए, हमारा अनुमान यही है कि जैसे आज टेम्परेचर कुछ हिस्सों में 49 तक भी थे, तो ये 2 से 4 डिग्री कम हो जाएंगे और कहीं ना कहीं फिर भी 2-3 दिन एक आधा स्टेशन 45 तक पहुंच सकता है। जनरली क्या होता है कि मई सबसे गर्म महीना होता है और मई महीने में जो टेम्परेचर्स हैं बहुत सारी जगहों में 45 पहुंच ही जाते हैं, क्योंकि कई जगह के जैसे राजस्थान, इवन साउथ पंजाब, साउथ हरियाणा, तो जो उनके नॉर्मल ही हैं वो 43-44 तक होते हैं। तो वो उसके बाद जे इतने रहेंगे 2-3 दिन, उसके बाद जे ग्रेजुअली कम हो जाएंगे और थोड़ा जैसे ही हवाएं अरबियन सी से आएंगी तो हमारा फोरकास्ट यही है 2 से 4 टेम्परेचर्स ऑलमोस्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप बाकी हिस्सों की बात करें, अभी हमने दैट इज़ बिहार, झारखंड और उड़ीसा के लिए भी हीट वेव टू सीवियर हीट वेव 2 दिनों के लिए दे रखा है और उसके बाद डे 3 में वहाँ हीट वेव है और साथ में इसके साथ वार्म नाइट है। वार्म नाइट नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ही है। वार्म नाइट का मीनिंग क्या है कि दिन के टेम्परेचर भी ज़्यादा हैं और रात के टेम्परेचर भी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए वहाँ भी हमारा 2 दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट है। लेकिन डे 3 के बाद वहाँ जैसे ही मॉइस्चर बेओ बंगाल से आएगा, इवन उत्तर प्रदेश में बेओ बंगाल से मॉइस्चर आएगा, वो ग्रेजुअली जो कंडीशन है इम्प्रूव हो जाएगी। सर, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उससे क्या बारिश की भी संभावना बन रही है नॉर्थ इंडिया में? देखिए, ज़्यादातर इसका जो प्रभाव रहेगा आने वाले 2-3 दिनों में वो वेस्टर्न हिमालय रीजन ही है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी भी थोड़ा बहुत रेनफॉल हो रहा है, उसका कारण ये भी है कि बेओ बंगाल से भी हवाएं आ रही हैं तो उसके कारण भी हो रही है और WD का इम्पैक्ट रहेगा। इसके बाद पंजाब, हरियाणा में कहीं ना कहीं छोटा मोटा लाइट रेनफॉल, आइसोलेटेड टाइप रेनफॉल होने का अनुमान है। सर, एक सवाल मॉनसून को लेकर के कि मॉनसून की क्या स्थिति है, कब तक अप्रोच करने वाला? देखिए, अभी क्या है कि एक मानसून का जो सिनॉप्टिक फीचर है, एक शेयर जोन टाइप पैटर्न होता है, लो प्रेशर टाइप जोन, वो 4.5 और 5.8 पे है, वो एक फेवरेबल कंडीशंस होती हैं और बाकी भी मानसून की कंडीशंस है वो फेवरेबल हो रही हैं। तो हमारा अनुमान यही है आने वाले 24 घंटे में जो मानसून है वो केरला पे ऑनसेट हो सकता है। मतलब नॉर्थ के लोगों के लिए अभी इंतजार करना है? देखिए, वो तो स्लोली अभी उसका टाइम है, जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करते हैं हम बताते हैं।